महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले महाविकास आघाड़ी में असहमति का दौर चल रहा है। एक ओर उद्धव ठाकरे के सीएम घोषित करने की मांग को शरद पवार गुट और कांग्रेस दोनों ने ही खारिज कर दिया। अब कांग्रेस के विधायकों ने बड़ी मांग की कि नाना पटोले को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया जाए, अगर उन्हें पद नहीं दिया गया तो छीन लिया जाएगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि भले ही महाविकास आघाड़ी के नेताओं का मानना है कि चुनाव के बाद साथ मिलकर मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस ने अलग सुर अपना लिया है। कांग्रेस नेताओं की नाना पटोले को सीएम बनाने की मांग महाविकास आघाड़ी में अंदरूनी भूचाल ला सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले महाविकास आघाड़ी में असहमति का दौर चल रहा है। एक ओर उद्धव ठाकरे के सीएम घोषित करने की मांग को शरद पवार गुट और कांग्रेस दोनों ने ही खारिज कर दिया। अब कांग्रेस के विधायकों ने बड़ी मांग की कि नाना पटोले को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया जाए, अगर उन्हें पद नहीं दिया गया तो छीन लिया जाएगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि भले ही महाविकास आघाड़ी के नेताओं का मानना है कि चुनाव के बाद साथ मिलकर मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस ने अलग सुर अपना लिया है। कांग्रेस नेताओं की नाना पटोले को सीएम बनाने की मांग महाविकास आघाड़ी में अंदरूनी भूचाल ला सकती है।